हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार में कार्बोहाइड्रेट का क्या योगदान है, यह कितने प्रकार का होता है। मनुष्य का जो आहार है, मनुष्य जो खाना खाता है, जो भोजन करता है, उसके आहार में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या योगदान है, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है मनुष्य को लाभ, और यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं सीधे सीधे यदि बोल दूं कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या लाभ है, हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट क्या योगदान निभाता है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। कैसे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा का एहसास दिलाता है। तो यदि हम सीधी बात करें तो यहाँ से इसे बोल देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को लिखना है तो किस हिसाब से लिखेंगे उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक। और एक भाई बोल रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन करें। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ लॉन्ग ही होता है, लेकिन मैं उसे छोटा करके बताता हूँ इसलिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में या आहार में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर इसे ग्लूकोज में बदलता है, जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं, उस समय जो हमारा आहार होता है वह भोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। कौन बदलता है, हमारा शरीर किस में बदलता है, ग्लूकोज में, किसको, कार्बोहाइड्रेट को, जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि इसकी सही मात्रा का सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन यदि इसके जरूरत से ज्यादा यदि इसका यूज किया जाएगा, जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाएगा, तो यह नुकसानदायक भी होता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की आहार में कार्बोहाइड्रेट की यही भूमिका है। अब इसका प्रकार हम लोग देखेंगे, तो भूमिका क्या है, समझ आ गया कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सीधी लिख दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर जो होता है वह आहार को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है। यह तीन प्रकार का होता है, तो पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और तीसरा होता है डाइट्री कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पहला देखेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट, साधारण कार्बोहाइड्रेट जिसे बोला जाता है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, एग्जाम पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में बताइए। तो मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वह कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें शुगर जैसे आसान कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वह कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें शुगर जैसे आसान से कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं, जो त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। त्वरित ऊर्जा मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन यह तेजी से अवशोषित होते हैं, लेकिन यह तेजी से क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। इनमें शुद्ध फल, दही, गुड़, शराब इत्यादि शामिल होता है। शुद्ध नहीं, शहद है। इनमें शहद, फल, दही, गुड़, शराब इत्यादि शामिल होता है। यह क्या करते हैं, हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, लेकिन यह तेजी से अवशोषित भी होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पहला हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वह कार्बोहाइड्रेट है जिसमें जो शुगर जैसे आसान कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है, जिसमें जो हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है लेकिन तेजी से अवशोषित भी होता है। इसमें शहद, फल, दही, गुड़, शराब इत्यादि शामिल होता है। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट जिसे बोल सकते हैं हम लोग, तो इसमें स्टार्च और फाइबर शामिल होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन सा शामिल होता है, स्टार्च और फाइबर शामिल होते हैं जो धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होते हैं। देखिए, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट था यह तेजी से शरीर में अवशोषित हो जाता था, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है यह धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होता है और धीरे धीरे ऊर्जा भी प्रदान करता है, लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट था वह त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें अनाज, दलिया, ब्राउन राइस, सब्जी, फल आदि अनाज शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए दोनों में अंतर पूछ दिया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट तेजी से अवशोषित होता है
और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे अवशोषित होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में शहद, फल, दही, गुड़, शराब इत्यादि शामिल होता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ब्राउन राइस, सब्जी, फल आदि अनाज शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर भी मैंने बता दिया। देखिए कभी कभी पूछ देता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर है, तो दोनों समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा इसका पार्ट। अगला है डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर या इसे फाइबर बोला जाता है। तो देखिए सिंपल से हमें ऊर्जा प्राप्त होता था और कॉम्प्लेक्स दोनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होता था। सिंपल से हमें तेजी से ऊर्जा प्राप्त होता था और कॉम्प्लेक्स में धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त होता था। लेकिन जो हमारा डाइट्री फाइबर है इससे हमें ऊर्जा न तो ऊर्जा प्राप्त होगा न ही कोई हमें एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फाइबर भी कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें शरीर के लिए न कोई ऊर्जा प्रदान होती है और न ही इसमें कोई एमिनो एसिड होता है। ठीक है, फाइबर जो होता है यह भी कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है, यह भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, लेकिन इससे शरीर में न कोई ऊर्जा प्रदान होती है और न ही कोई एमिनो एसिड होता है। यह जो होता है फाइबर पाचन में मदद करता है, यह कब्ज को दूर करने में सहायक होता है और हृदय रोगों के संरक्षण में भी मदद करता है। और क्या करता है? हृदय रोगों के संरक्षण में मदद करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीयों के आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में बताइए। हमारे जो भारतीय हैं, भारत देश हमारा, यहाँ पर पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीयों के आहार में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग निम्न प्रकार के हैं, कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। तो आँख संबंधी रोग, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके सीरीज में दिया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछता बार बार। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट आपके सीरीज में भी मिलते हैं, तो मैंने इसको सीरीज से ले लिया इसका फोटो, क्योंकि लिखने में बहुत अधिक समय लग गया था। तो पहला है आँख संबंधी रोग। तो आहार में विटामिन ए की कमी के कारण भारत में असंख्य मनुष्यों में आँख संबंधी विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भारत में लाखों लोग आहार में विटामिन ए की कमी के कारण अंधे हो चुके हैं। ठीक है, तो आहार में विटामिन ए की कमी के कारण भारत में असंख्य लोग आँख की बीमारी से क्या है, पीड़ित है। दूसरा है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो होता है थायमिन की कमी के कारण होता है, आंध्र प्रदेश में यह रोग सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, थायमिन की कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, या इसे विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग भी बोलते हैं। अगला है पेलेग्रा। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में लोगों का मुख्य आहार मक्का है, इन्हें भोजन में निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण पेलेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, तो भारत का ऐसा कुछ राज्य है, भारत का ऐसा कुछ क्षेत्र है जहां पर लोगों का मुख्य आहार मक्का है। ठीक है, इन लोगों क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल की कमी हो जाता है, जिससे क्या होता है इनको इनके अंदर पेलेग्रा रोग हो जाता है। अगला स्कर्वी रोग। तो जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है या हरी एवं ताजी सब्जियां कम उपलब्ध होती हैं उन क्षेत्रों में विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी के कारण क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला रिकेट्स। जिन क्षेत्रों में लोग धूप का सेवन नहीं कर पाते वहां विटामिन डी कमी के कारण यह रिकेट्स रोग हो जाता है, या गंडमाला रोग भी हो जाता है। ठीक है, तो रिकेट्स या गंडमाला रोग किसी कारण होता है, विटामिन डी कमी कारण होता है, जहाँ के लोग धूप का सेवन नहीं करते उन लोगों को यह रोग होता है। अगला एनीमिया। तो यह रोग मुख्यतः आयरन तथा फोलिक अम्ल की कमी कारण होता है। एनीमिया जो है यह आयरन तथा फोलिक अम्ल की कमी कारण होता है। भारत में यह रोग प्राय बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, अगला है पथरी होना। तो भारत में अनाज, दाल एवं चाय की अधिक मात्रा के सेवन से मूत्राशय में पथरी हो जाती है। यह रोग उत्तरी भारत में अधिक पाया जाता है। ठीक है, पथरी हो जाता है कहाँ, कैसे होता है, भोजन में अनाज, दाल और चाय की अधिक मात्रा के सेवन करने से क्या होता है, मूत्राशय जो है उसमें पथरी हो जाता है। यह रोग उत्तरी भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। तो भारत में बहुत से मनुष्य, विशेषकर बच्चे, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। 1 से 5 वर्ष के बच्चों में प्रोटीन के अभाव में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण अधिक पाया जाता है। उसके बाद है अगला ऑस्टोमेलेशिया। यह रोग भारत की कांगड़ा घाटी में अधिक पाया जाता है। यह जो रोग है ऑस्टोमेलेशिया, यह भारत की कांगड़ा घाटी में सबसे अधिक पाया जाता है। यह रोग धूप के अभाव में विटामिन ए और डी तथा कैल्शियम की कमी कारण होता है। ऑस्टोमेलेशिया जो रोग होता है यह विटामिन ए और डी तथा कैल्शियम की कमी कारण होता है। अगला घेघा। यह रोग आहार में आयोडीन की कमी कारण होता है। ठीक है, घेघा रोग किसके कारण होता है, किसकी कमी के, आयोडीन की कमी के कारण होता है। यह रोग भारत में मुख्यतः हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों और कांगड़ा घाटी में पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में पोषण संबंधी समस्याएं, निर्धनता, अधिक जनसंख्या, पोषण संबंधी ज्ञान की कमी तथा आहार में प्रोटीन वाले भोज्य पदार्थ की कमी
आदि कारण होता है। तो यही थे भारत में पोषक तत्व कमी कारण होने वाले मुख्य रोग, जिसमें मैंने पहले बताया आँख संबंधी रोग, फिर बेरी बेरी रोग, फिर पेलेग्रा, फिर स्कर्वी रोग, रिकेट्स रोग, एनीमिया, पथरी, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, ऑस्टोमेलेसिया, घेगा रोग। ठीक है, तो ये जो 10 डिजीज मैंने बताया, 10 रोग को मैंने बताया, उसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कौन सा रोग किसी कमी कारण होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों जो भी मैंने अभी तक मैंने बताया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है। सूक्ष्म जीव विज्ञान मैंने अपने भाषा में लिखा है, लेकिन आपके जो पेपर आता है पेपर में लिखता है इसको अणु जीव विज्ञान। तो अणु जीव विज्ञान लिखे या सूक्ष्म जीव विज्ञान लिखे, आप लोगों को सूक्ष्म जीव विज्ञान ही पढ़ना है। ठीक है, तो आपके पेपर में देता है अणु जीव विज्ञान, तो आप लोगों को सूक्ष्म जीव विज्ञान इसको पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान होता क्या है, फिर पूछा है सूक्ष्म जीव विज्ञान की हानिकारक और लाभदायक अभिक्रियाओं के बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आसानी हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब जैसे हो गया वायरस, वायरस को क्या होगा आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, उनको देखने के लिए क्या करेंगे सूक्ष्मदर्शी की यूज करेंगे। यदि सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया दिखेगा और वायरस दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई पूछे तो सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, या बोल सकते हैं सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है। अब देखेंगे जीवाणुओं की लाभप्रद एवं हानिप्रद अभिक्रियाओं का वर्णन। तो कुछ जीवाणु हैं जो लाभप्रद और हानिप्रद अभिक्रिया करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं, तो जीवाणुओं की लाभप्रद क्रियाएं पहला है तो कृषि में मृदा उर्वरता में वृद्धि करना। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको मृदा में स्थिर कर देते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया उसके फैमिली वाले जो होते हैं वह क्या करते हैं वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है। तो जो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं मृदा में स्थिर कर देते हैं। तो मृदा में उपस्थित बैक्टीरिया मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं जिससे उत्तम कृषि संभव होती है। एजोटोबैक्टर तथा क्लास्ट्रिडियम नामक जीवाणु मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। यौगिकीकरण मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं जिससे मृदा उपजाऊ होती है। नाइट्रोजन चक्र में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख जीवाणु निम्न प्रकार के, जिसमें पहला एमोनीकरण वाले जीवाणु, तो ये मृदा में उपस्थित प्रोटीन युक्त जैव पदार्थ को अमोनिया में परिणत कर देती है। मतलब क्या करते हैं, ये मृदा में उपस्थित प्रोटीन युक्त जैव पदार्थ को अमोनिया में क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं। अगला नाइट्रिकरण जीवाणु, तो ये अमोनियम लवणों को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं, अमोनियम लवणों को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इससे पहले नाइट्रोसोमोनास समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, फिर नाइट्रोबैक्टर समूह के जीवाणु नाइट्राइट का ऑक्सीकरण नाइट्रेट में कर देते हैं। इस प्रकार जीवाणु मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं जिससे अच्छी कृषि की जा सकती है। तो ये देखिए हम लोग देख रहे हैं जीवाणुओं की लाभप्रद क्रिया। तो हमने पहला देखा कृषि मृदा उर्वरता में क्या करते हैं वृद्धि करते हैं, कैसे करते हैं मैंने बताया कि यह क्या करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं। तो आप लोग को इतना नहीं लिखना है, आप लोग को मैं इतना सिर्फ बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या करते हैं। आप लोगों को सिर्फ ऐसे लिखना है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान यह होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत वे सूक्ष्म जीव आते हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। फिर यदि बोल दिया कि जीवाणुओं के लाभप्रद और हानिप्रद क्रिया क्या है, तो आप लोग पहला पॉइंट लिखिएगा कि जीवाणुओं के लाभप्रद क्रिया में जीवाणु होते हैं कृषि की मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा मृदा उर्वरता में वृद्धि। उसके बाद हेडिंग के बाद आप लोग लिखिएगा कि हमारे खेतों में पाए जाने वाले या हमारे भूमि में पाए जाने वाले कुछ स्वतंत्र जीवाणु जैसे राइजोबियम या एजोटोबैक्टर या उनके फैमिली वाले क्या करते हैं जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं जिससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है स्वच्छता कार्य। तो कुछ जीवाणु जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर, मल, कूड़ा करकट, पेड़ पौधे की पत्तियों की ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं जो खाद के रूप में प्रयुक्त होता है।
मृत जंतुओं तथा पौधों पर जीवाणु की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ पानी, नाइट्रेट तथा सल्फेट आदि सरल पदार्थ बनते हैं। इस प्रकार वातावरण स्वच्छ हो जाने के कारण संबंधित जीवाणु की प्रकृति के मेहतर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या, स्वच्छता कार्य। जैसे पशु का गोबर हो गया, मल हो गया, कूड़ा करकट हो गया, पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, यदि वो सब गलेंगे, उन सभी को देखिए जो सुखाने के लिए, गलाने के लिए क्या करते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उनको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई मनुष्य उसकी मृत्यु हो गई या कोई जानवर उसकी मृत्यु हो गई, यदि बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो वह सड़ गल नहीं पाएगा। ठीक है, जब भी मृत्यु होती है किसी पशु की या किसी मनुष्य की, उसके कुछ समय बाद बैक्टीरिया उसके शरीर में चले जाते हैं, जो क्या करते हैं, अपना कार्य शुरू कर देते हैं, उनको मतलब डिकम्पोज करने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, दूसरा पॉइंट यही है बैक्टीरिया का लाभप्रद पॉइंट, कि हमें स्वच्छता में सहायता करते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी स्वच्छता में सहायक होते हैं। अगला है मानव स्वास्थ्य। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की आंतों में उपस्थित जीवाणु उनकी पाचन क्रिया को तीव्र करते हैं। ये जीवाणु शरीर के लिए विटामिन बी जटिल का निर्माण भी करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, उद्योगों में सहायक जीवाणु। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे उद्योगों में सहायक होते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा डेयरी में यूज होते हैं। ठीक है, तो उद्योगों में सहायक जीवाणु देखते हैं। विभिन्न उद्योगों में जीवाणुओं का बहुत महत्व है, इनकी सहायता से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए दही, मक्खन तथा पनीर का निर्माण। तो दूध उचित ताप पर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक जीवाणुओं की उपस्थिति में दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दूध जो होता है वह उचित ताप पर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक जीवाणु की उपस्थिति में क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस का। ठीक है, इस प्रकार पूछता है। तो डेयरी व्यवसाय में मक्खन तथा पनीर को दूध से जीवाणु की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। डेयरी व्यवसाय में मक्खन तथा पनीर को दूध से जीवाणुओं की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। पहले दही जमाया जाता है, दही के बाद उसमें क्या निकलता है, पनीर, दही जमाने के लिए पहले उसकी मथाई होती है, तो उसमें क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, उससे फिर क्या बनता है, उससे घी बनता है, आदि डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। अगला है सिरके का निर्माण। तो बैक्टीरिया के द्वारा सिरके का निर्माण भी होता है। तो गन्ने के रस से माइक्रोडर्मा एसिटी जीवाणु की क्रिया द्वारा 5 से 10% एसिटिक अम्ल बनता है, जिसे सिरका या विनेगर भी कहते हैं। अगला है अचार का निर्माण। जब कुछ सब्जियों तथा फलों को काट कर उनमें नमक तथा मसाले मिलाकर कुछ देर धूप में सुखा देते हैं या धूप में रख देते हैं, तो जीवाणुओं की क्रिया द्वारा स्वादिष्ट अचार बन जाता है। ठीक है, अगला है चमड़ा निर्माण। तो मृत जानवरों की त्वचा को बैक्टीरिया की उपस्थिति में सड़ाने से यह चमड़े में परिवर्तित हो जाता है। अगला है जूट निर्माण। तो जूट तथा सन के पौधे को किसी तालाब या नाले के पानी में दबा कर रखते हैं, तो पानी की उपस्थिति में जीवाणु उनके तनों में उपस्थित पैक्टिन पदार्थ को खा लेते हैं, जिससे इनके रेशे खूब मुलायम हो जाते हैं और सरलता से जूट या पटसन के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। अगला है नील का निर्माण। तो नील के पौधे से नील प्राप्त करने में से होने वाली रासायनिक क्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है, जो इन्हीं पौधे पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है चाय तथा तंबाकू निर्माण। तो चाय तथा तंबाकू के निर्माण में इनकी पत्तियों का रंग, आकार, स्वाद तथा सुगंध आदि को अंतिम रूप जीवाणुओं के साथ पकाने की क्रिया में दिया जाता है। उसके बाद अगला है औषधि निर्माण। तो विभिन्न एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टियोमाइसिन, टेरामाइसिन तथा क्लोरोमाइसिटिन आदि जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। कौन सी क्या बनाई जाती है, औषधि, जो अनेकों रोगों जैसे टाइफाइड, बुखार, नेत्र रोग तथा टीबी आदि अनेक रोगों के उपचार में काम आते हैं। कुछ जीवाणु मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं और भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यह था लाभप्रद प्रक्रिया। लाभप्रद क्रिया किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा। अब देखेंगे हानिप्रद, कुछ हानियां भी होती है जीवाणुओं द्वारा। जिसे पहला पॉइंट है मृदा उर्वरता में कमी। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मृदा की उर्वरता में क्या करते देते हैं, कमी कर देते हैं। विनाइट्री कारक बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित नाइट्राइट तथा नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार कुछ जीवाणु मृदा की उर्वरता शक्ति को कम कर देते हैं। देखिए मैंने बताया राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं। लेकिन इन्हीं के विपरीत कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे विनाइट्री कारक बैक्टीरिया भी कहते हैं, यह क्या करते हैं, यह बैक्टीरिया उपस्थित नाइट्राइट तथा नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जिससे कुछ जीवाणु मृदा की उर्वरता शक्ति को कम कर देते हैं। मतलब क्या होता है, मृदा की उर्वरता शक्ति होती है वह कम हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं,
भोज्य पदार्थों को नष्ट करना। तो कुछ बैक्टीरिया भोजन उत्पन्न होकर इसके तत्वों को तोड़कर हानिकारक पदार्थ बना देते हैं। इससे खाना सड़ जाता है और विषैला हो जाता है। इससे दूध खट्टा हो जाता है। बंद डिब्बों में रखे भोज्य पदार्थों में उत्पन्न बैक्टीरिया विशेष रूप से क्लास्ट्रिडियम बोटुलिनम अत्यंत हानिकारक होता है। इससे मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, मतलब देखिए हम लोग जो खाना रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है खाना कभी कभी गर्मी के समय देखेंगे खराब हो जाता है, खट्टा लगने लगता है, तो ये सब बैक्टीरिया कारण ही होता है। बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अगला रोग उत्पन्न करना। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें रोग भी उत्पन्न होता है। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु मनुष्य के शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें पहला बैक्टीरिया है विब्रियो कालेरी। यह क्या करता है, यह हैजा रोग के लिए क्या है जिम्मेदार है। उसका ट्यूबरकुलिन बेसिलाई तपेदिक रोग के लिए, ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए यह जिम्मेदार है। इसके बाद डिप्लोकोकस न्यूमोनी, तो यह निमोनिया के लिए। उसका इबरथेरा टाइफोसा या टाइफाइड होता है इस बैक्टीरिया कारण। इसके बाद है क्लास्ट्रिडियम टिटेनाई, तो यह जो बैक्टीरिया इसके द्वारा टिटनस डिजीज होता है। ठीक है, उसके बाद है कोरीबैक्टीरियम डिप्थीरी, इसके द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है। देखिए सभी याद रखिएगा, इस सभी एग्जाम पूछता है। अब पता है आप लोगों को, यदि जो एक नंबर वाला क्वेश्चन था वो अब 3 नंबर का हो गया है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक नंबर वाले पर ही फोकस कीजिएगा। एक नंबर वाला यदि आप पढ़ लेंगे तो शायद उसमें 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन में आप लोगों को 5 करना होगा, 15 नंबर आपका एक नंबर वाले में से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूरा कम हो गया है, इसकी वजह से ऐसा होगा। अगला पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, तो इन सभी के बाद में क्या निष्कर्ष निकल गया उसको देखेंगे। तो इसके अतिरिक्त जीवाणु पौधे तथा फसलों में रोग फैलाकर इनके लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। इससे पौधे की वृद्धि रुक कर इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बताया। मैं आप लोग 5 क्वेश्चन बताने वाला था, लेकिन 3 क्वेश्चन में वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अब 3 ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।